गुजरात में दूसरे फेज की वोटिंग आज, फाइनल फेज की 93 सीटों पर वोटिंग। पीएम मोदी और शाह भी करेंगे मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। राज्य के 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर शामिल है। इस चरण में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के रानीप स्थित निशान स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबेन मोदी से गांधीनगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। एक तस्वीर में पीएम मोदी मां हीराबेन के पैर छूते नजर आ रहे हैं। पीएम ने अपनी मां के पास बैठकर शाम की चाय भी पी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा के अंकुर में कामेश्वर मंदिर के पास नगर निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सोमवार को अहमदाबाद के बूथ संख्या 95 शिलाज प्राइमरी स्कूल में वोट डालेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 1 दिसंबर को सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। तब करीब 63.31% वोटिंग हुई। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। दूसरे चरण में बाकी 93 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। दूसरे फेज में 61 पार्टियों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इन 93 सीटों में से 51 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 39 और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 3 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। मध्य गुजरात में बीजेपी ने 37 और कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन उत्तर गुजरात में कांग्रेस हावी रही थी और 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी।